एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। आइए उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा और ये ऐलान AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी करेंगे और इसी ऐलान के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक और झटका लगेगा। दरअसल आज लखनऊ में ओवैसी अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। ओवैसी और पल्लवी पटेल के तीसरे मोर्चे में जल्द ही कुछ दूसरी छोटी पार्टियां भी जुड़ सकती हैं। तीसरे मोर्चे के ऐलान को लेकर ही ओवैसी आज दोपहर को लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो देखिए यूपी में ओवैसी का तीसरा मोर्चा, लेकिन किन किन नेताओं से अब तक संपर्क हुआ है, आइए उसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं। इस तीसरे मोर्चे में किस किस को लेकर बातचीत और दोपहर को 12 बजे देखिए लखनऊ पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी। पल्लवी पटेल कहां पहुंचेंगी, वो भी लखनऊ में पहुंचेंगी। इसके अलावा देखिए और क्या अपडेट है इसको लेकर, बैठक में शामिल होंगे असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल। ऐलान होगा तीसरे मोर्चे का, तो ये तीसरा मोर्चा और इसी के साथ अखिलेश यादव को भी एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखिए तीसरे मोर्चे के ऐलान से पहले अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल का बयान भी सामने आया है। पल्लवी पटेल ने यह कहा कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे, अखिलेश ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, अखिलेश यादव आज भी खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं। पल्लवी पटेल ने दावा किया कि अखिलेश 24 भी हारेंगे और 27 भी हारेंगे। तो देखिए ये पल्लवी पटेल का बयान है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे और दावा यह किया कि अखिलेश 24 भी हारेंगे और 27 भी हारेंगे। इसी खबर पर इन डेप्थ जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तीसरे मोर्चे की तैयारी यूपी में, लेकिन इस तीसरे मोर्चे को जनता कैसे एक्सेप्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और दूसरा सवाल ये कि पल्लवी पटेल ने बयान दिया है कि अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे, अभी जो अखिलेश यादव से टक्कर की बात हो रही है, इसका फायदा कहीं बीजेपी या एनडीए को तो नहीं मिल जाएगा? अखिलेश, अभिषेक, देखिए बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि ये बिखराव का एक कारण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं आपको घटनाक्रम बता दूं, ये 3 दिन पहले मुलाकात हुई है। 3 दिन पहले पल्लवी पटेल हैदराबाद गई थी, वहाँ उनकी असद ओवैसी से मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं अब, और इस मुलाकात में चीज़ें फाइनल हुई हैं। देखिए पहला फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, जो बाकी बची सीटें हैं वहाँ पर साथ मिलकर के लड़ने का प्लान है। कुछ और छोटी पार्टियों को साथ में लेने की कवायद की जा रही है, जिसमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, उनको भी साथ लेने की कवायद की जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी कवायद होती है तो उन बेल्ट में से कि फूलपुर की हम बात करें, मिर्जापुर में जहां बीजेपी की अपना दल की उम्मीदवार अपना अनुप्रिया पटेल हैं, फूलपुर हो गया, इन बेल्ट्स में निश्चित तौर पर वहां पर डिवीजन होने की आशंका है। तो समाजवादी पार्टी को तो इस बात के लिए चिंतित होना ही चाहिए, अपना दल को भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अपना दल का ही एक एक एक, एक दूसरा धड़ा है ये। और अगर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ पल्लवी पटेल उम्मीदवार उतारती हैं या खुद उतरती हैं तो वहाँ भी वोट बंटने की आशंका है। तो चिंताएं एक ही तरफ नहीं, चिंताएं दूसरी तरफ भी हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभिषेक सवाल यह भी है कि ये जो तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है अभी, तो हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें और पार्टियों को भी शामिल करेंगे जो छोटी छोटी पार्टियां यूपी की, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, ये कुछ खबर है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे पास जानकारी ये है कि जो पहला फेज निकल गया, इसके बाद की जो सीटें बची हैं उनमें से मैक्सिमम सीटों पर लड़ने का प्लान है, और वो जो तय होगा वो तय होगा जाति समीकरण से, जो डेमोग्राफी होती है कि जहां पर पिछली जातियों के उम्मीदवार ज़्यादा होंगे वहां पर पल्लवी पटेल की दावेदार होगी, जहाँ अकलितें ज़्यादा होंगी वहाँ पर ओवैसी की दावेदारी होगी, कुछ और छोटी पार्टियाँ होंगी उनका उनके साथ भी यही समीकरण होगा कि जहाँ जिसका वोट बैंक होगा वहाँ उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और दूसरी पार्टी जो साथ में होगी उसका वोट बैंक साथ में जुड़ेगा, और इस तरह से ये लोग टक्कर देने की स्थिति में आएंगे, इस रणनीति पर काम हो रहा है। पूजा बिल्कुल, लेकिन अभिषेक अभी तक हम यूपी में देखते आए हैं कि दो बड़े मुख्य रूप से गठबंधन है, लेकिन अब ये जब तीसरा मोर्चा तैयार होगा निश्चित तौर पर जनता के सामने एक और विकल्प होगा, लेकिन इस विकल्प को जनता यूपी की किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी? ये सवाल जो है आपका बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, और यही देखने वाली बात होगी जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये कवायद इसके पहले यूपी के चुनाव में भी हो चुकी है। आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, ये सब लोग साथ में आए थे, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ बिखर गया था।
और लड़ाई एकदम दो ध्रुवी हुई थी समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की। तो इस बार माना जा रहा है कि एनडीए बनाम जिसे कि पीडीए कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन इंडिया गठबंधन है, ये उसके बीच में सीधी लड़ाई होगी। लेकिन हाँ, जहां पर उम्मीदवार पावरफुल होंगे इस तीसरे मोर्चे के, वहां पर वो वोट जरूर काटेंगे, क्योंकि असद ओवैसी और पल्लवी पटेल का जोर रहेगा, उनकी अपनी स्टैंडिंग रहेगी। तो ये चिंता की बात हो सकती है इंडिया गठबंधन के लिए और अपना दल के लिए। फिर से कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल के लिए चिंता की बात हो सकती है कि उनका जो कोर बेस है वो बेस पल्लवी पटेल की पार्टी काट सकती है, और अखिलेश का जो वोट है वो वोट काट सकती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो चिंताएं कहीं ना कहीं दोनों ही कैंपों में है इससे। ठीक है अभिषेक, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ।